तो वो कहते हैं सर हमें नेगेटिव वो मत दो, रेटिंग मत दो, रेटिंग हमें फुल दो। पहले जिस दिन सर्विस करो उस दिन कहेंगे सर 10-10 कर दो, आपको फ़ोन आएगा वहाँ से तो आप 10 रेटिंग कर देना उनको। ये सर गाड़ी श्रीनगर गई है, बारामूला गई है, सोनामर्ग, गुलमर्ग, यमुनोत्री, गंगोत्री, मनाली बहुत बार जा चुके हैं, ज़्यादातर हिल्स में गाड़ी चली है। गया था पेट्रोल गाड़ी के टेस्ट लेने, मुझे दे दी डीजल की। पहले तो मेरे गेड़े मरवाए 10 बार, वो साफ करते थे, साफ करके दे देते थे, एक दिन आवाज़ नहीं आती थी, अगले दिन फिर आवाज आने लग जाती थी। और ये बात बिल्कुल सच है, चाहे आप नेक्सोन ले लो, चाहे आप टियागो ले लो, चाहे टिगोर ले लो, कोई सी भी गाड़ी हो, कुछ टाइम के बाद जो स्टेयरिंग है वो लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाता है। उत्तरकाशी से देहरादून जा रहा था, गाड़ी चलती चलती पहाड़ पे बंद होगी, तो 3-3 बंदे आपके ऊपर चढ़ जाएंगे और आपको गलत प्रूफ करेंगे, धड़ 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 धड़। कभी जब भी कोई टाटा की गाड़ी आती ना, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि मेरे पास भी है, मेरे को भी उसका भविष्य थोड़ा बहुत पता चल जाता है। वैसे आज हमारे पास टाटा की टियागो, और चंडीगढ़ से हमारे मित्र विक्रम धीमान, और इनसे जानेंगे कि कैसी लगी इनको ये गाड़ी। हालांकि ये बेस मॉडल है, लगभग इन्होंने 46,000 के आसपास चला ली है। अच्छे एक्सपीरियंस के साथ साथ इनके कई ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिसमें इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ा है, वो जानेंगे वो क्या क्या हैं। जो जो भी यहाँ पर चंडीगढ़ से हैं और जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। बेस वेरिएंट है, किफ़ायती वेरिएंट है, तो कब ली थी पहले ये तो ये बताइए। 30 जून 2017 को ली थी सर गाड़ी। 30 जून 2017 ओके, निकल फ्यूचर में जाके ले ली थी। अच्छा, तो आपको तो मतलब कि पूरा डेट भी याद है। हाँ जी, हाँ जी। कैसे ली गई, मतलब कि या यही चॉइस थी या क्या? गाड़ी सर मैं एक्चुअली स्विफ्ट देखी थी पहले, क्विड भी देख रहा था, क्योंकि गाड़ी मेरी फर्स्ट थी गाड़ी, तो मुझे नहीं पता था ज़्यादा गाड़ियों के बारे में, नॉलेज नहीं थी ना, 3 सिलेंडर क्या होता है, 4 सिलेंडर क्या होता है। तो स्विफ्ट की लुक अच्छी थी लेकिन उसकी वेटिंग थी, थोड़ी महंगी भी थी, इसे 1.5 लाख महंगी पड़नी थी मुझे। अच्छा जी। तो फिर मुझे ये गाड़ी मैंने देखी, मेरे कज़न के पास भी थी गाड़ी। अच्छा जी। उनको 1 साल पहले दिलवाई थी गाड़ी, तो मैंने गाड़ी चलाई, धर्मशाला लेके गए थे, तो अच्छी लगी ड्राइव इसकी, तो मैंने सोचा ये गाड़ी ले लेते हैं। तो लेकिन गाड़ी लेती मुझे पहले दिन 12,000 का लॉस हो गया था। कैसे? क्योंकि मैंने सुना था कहीं YouTube से ही कि हाँ कि GST लागू हो जाएगी जी, जो गाड़ियों के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो इसलिए आज ही गाड़ी ले लो जिसने लेनी है। हाँ। ये किसने, किसी न्यूज़ चैनल ने बोला था या फिर किसी? जो YouTube पे था एक चैनल, वहाँ से सुना था मैंने, क्योंकि मैं देखता रहता था, कोई नॉलेज थी नहीं ज़्यादा। अच्छा। फर्स्ट गाड़ी थी मेरी, तो उनसे सुना कि मैं कह चलो ठीक है पैसे बचाओ। अधूरी नॉलेज से यार, उस टाइम बहुत लोगों को लॉस हुआ था उस टाइम ना। तो वो कोई चैनल ऐसा था जो ऑटोमोबाइल का कंटेंट बनाता है? वो ऑटोमोबाइल का ही कंटेंट बनाते हैं वो। अच्छा। और मुझे लगभग 12,000 का लॉस हो गया था, तो जब मैंने जाके बोला उनको जिनसे गाड़ी ली थी मैंने, तो उन्होंने मुझे 1200 वाला एक वो दे दिया, स्पीकर आता है। हाँ। कहते हैं सर ये ले लो आप। वो तो, स्पीकर नहीं था, वो मीठी गोली थी। कि सर आप ये ले लो, वो तो कुछ कर नहीं सकते। और वो भी मुझे श्योर होके बता रहे थे कि हाँ अभी कोई बात नहीं सर, गाड़ी महंगी होगी, आप आज ही उठा लो, आज ही उठा लो। और गाड़ी सर मेरी 120 किलोमीटर ड्राइव होकर आई थी यहाँ से। हाँ, और लुधियाना से आई थी वो। मतलब यहाँ वाले के पास स्टॉक में भी, यहाँ पे वाले का स्टॉक नहीं था, उसने मुझे झूठ बोला था कि मेरे पास 5 गाड़ी हैं। पर जब मैं गया, आगे आ जाते हैं थोड़े से, इधर आ जाओ। तो जब मैं गया वहाँ पे तो मैंने देखा कि गाड़ी एक भी नहीं खड़ी थी। तो 2 बजे बैठा था, गाड़ी रात को 8 बजे मिली थी मुझे। तो कहने का मतलब है पहले दिन से आपका जो एक्सपीरियंस है टाटा के साथ वो काफी खराब रहा, खराब रहने लग गया। और वो जहाँ से गाड़ी ली थी 6 महीने बाद वो भी बंद हो गया। और उसकी जगह कोई और नया खुल गया था पहले 2 किलोमीटर दूरी पे, उन्होंने भी मुझे बोला था कि वहाँ से गाड़ी मत लो आप, वो बंद हो जाएगा। अच्छा। तो मैं कहा ये पुराना है, जहाँ से लेने थे, क्या दिक्कत है, हमने तो गाड़ी लेनी है, जहाँ से मर्जी ले लो। अच्छा। पर मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होएगा। आपका मूड तब थोड़ा सा ठीक हुआ होगा जब ये 4 स्टार लेकर के आई थी सेफ्टी के अंदर। नहीं, वो तो मुझे इतना, मुझे एक्चुअली स्टार्टिंग में नॉलेज थी, बट हाँ थोड़ा ठीक लगा कि गाड़ी सेफ है, इसके डोर वगैरह यहीं से पता चल जाता है गाड़ी कितनी सेफ है, तो मुझे मतलब ठीक था। क्योंकि गाड़ी मैंने और भी देखी है, स्विफ्ट मारुति की गाड़ी जितनी भी थी, जो भी इस साइज़ की गाड़ी हैं, सबके दरवाजे बिल्कुल हल्के हैं गाड़ियाँ वो। तो आपने जैसा बताया, हमारी इससे पहले भी बातचीत हो रही थी काफ़ी देर पहले से, 5 लाख की सारी एसेसरी लगा के, वैसे ये बेस वेरिएंट है, 5 लाख में आपकी जो है इग्निस भी उस टाइम पे आ जाती थी, अभी भी आ जाती है 5 लाख की रेंज में बेस मॉडल, क्या आपने उसे लेना सही नहीं समझा? इग्निस के बारे में सर मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि गाड़ी कोई है भी है मार्केट में, नहीं है। और टियागो के सारे यूट्यूब वाले कह रहे थे कि टियागो आई है गाड़ी बढ़िया जबरदस्त, ये ले लो वो ले लो, परफॉर्मेंस फन टू ड्राइव पता नहीं क्या कुछ। तो मुझे तो वही है ना, जिसने पहली बार गाड़ी लेनी होती उसको तो वही है, जो एक्सपीरियंस बंदा उससे सोचता है कि उससे ले ले एक्सपीरियंस। अब ऐसे थोड़ा ना किसी से भी जाके पूछ लूंगा गाड़ी कहाँ से लूँ। तो लोग यूट्यूब वगैरह इसलिए देखते ताकि अच्छी नॉलेज मिले।
तो विक्रम जी मुझे ये बताइए कि 46,000 किलोमीटर आपने चला ली है और किस किस जगह पे चलाई है, मतलब कौन कौन सी लोकेशन में चलाई है ये? सर गाड़ी श्रीनगर गई है, बारामूला गई है, सोनमर्ग, गुलमर्ग, यमुनोत्री, गंगोत्री, मनाली बहुत बार जा चुके हैं, ज्यादातर हिल्स में गाड़ी चली है। 46,000 में से 40,000 ज्यादातर हिल्स में चली है गाड़ी। ये कैसी है इसकी परफॉर्मेंस पहाड़ों में? परफॉर्मेंस पहाड़ों में मुझे कोई कभी दिक्कत नहीं है, 1200 cc इंजन है, ठीक है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता 800 cc वाली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, इसलिए मैंने 1200 चूज किया था। एवरेज का मुझे कोई इतना वो नहीं था कि एवरेज मुझे चाहिए, मुझे चाहिए था कि गाड़ी साइलेंट होनी चाहिए, लेकिन वो भी धोखा हो गया था। गया था पेट्रोल गाड़ी के टेस्ट लेने, मुझे दे दी डीजल की, कहते सर कोई बात नहीं, आप पेट्रोल की जो लोगे ना गाड़ी उसमें बिल्कुल आवाज नहीं होगी, और इसमें इतनी ज्यादा आवाज, इसके जो डैशबोर्ड है उसमें धड़ 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 धड़, कभी वो फो कहते ये फोम बोलते पता नहीं क्या, ये डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं, भर देंगे, ये आवाजें कभी नहीं गई इसके वहाँ से। सर्विस भी बहुत जरूरी है, सेल्स वाले जो बंदे हैं वो भी बहुत अच्छे आपके होने चाहिए। मेरे को लगता है कि इसी वजह से ही आप लोगों का जो है वो शोरूम वगैरह वहाँ पर बंद हुआ था, मेरे को तो यही लगता है, क्योंकि सर्विस क्या मतलब कि आप कोई पेट्रोल गाड़ी लेना चाहता है उसको डीजल की फील दिलवा रहे हो यार। पेट्रोल लेनी ही इसलिए थी, मुझे आवाज़ नहीं चाहिए थी गाड़ी में बिल्कुल भी, और मुझे था मैं तो फीलिंग लेके गया था जैसे होंडा की गाड़ियाँ आती हैं साइलेंट पर पता ही नहीं चलता, लेकिन जब ये स्टार्ट की ये क्या वो ले चुके थे, क्या करें पैसे दे चुके थे उनको। अच्छा ले चुके, पैसे दे चुके, मलाल है कि यार ये ना लेकर के वो ले लेता काश में। नहीं मुझे बस यही था कि मुझे एक्चुअली पता ही बाद में 2 महीने बाद चला कि मेरी गाड़ी 3 सिलेंडर है। हाँ मुझे पता ही नहीं था 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर क्या होता है, आम बंदे को क्या पता होता है, थ्री जिसने पहली बार गाड़ी ली है 3 सिलेंडर किसे कहते हैं, 4 सिलेंडर किसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है यार ये चीजें। वो बाद में पता चला मुझे कि 4 सिलेंडर की आवाज कम होती है, 3 सिलेंडर की थोड़ी बहुत आवाज होती है। तो 46,000 आपने चला ली है, लगभग 3 से 4 पेड सर्विस हो चुकी है इसकी, तो कितना खर्चा आता है? पहले तो गोल्ड AMC थी 2 साल, तो कोई खर्चा आया नहीं मेरा, स्टार्टिंग में उन्होंने जो पैसे लेने थे गोल्ड AMC के ले लिए, तो अभी अराउंड 3 से 4 हजार का खर्चा आ जाता है आराम से इस पे। और साल में आप 15,000 किलोमीटर चला लेते हैं? आराम से चलते हैं जी 15,000 साल में। 15,000 के हिसाब से साल में 3 से 3,500 का खर्चा कुछ भी नहीं है सर्विस का खर्चा। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जैसे इसके स्पार्क प्लग पहले चेंज हो चुके थे तो 300 रुपए वो बच गए थे मेरे, तो ऐसे ऐसे कोई जो डिपेंड करता है सर्विस कौन सी है, कौन सा पार्ट चेंज होने वाला है। हाँ अगर पार्ट डलेगा वो जैसे कूलेंट डलेगा, कुछ भी डलेगा, AC फिल्टर डलेगा, कोई भी जो ऐसे पार्ट है जो कुछ किलोमीटर वाइज डलते हैं उसकी कॉस्ट तो लगेगी, लेकिन 3-4 हजार की गेम है, कोई ज्यादा बड़ी गेम नहीं है, मतलब सर्विस वाइज और कंपनियों से मुझे सस्ती ही लगी है। माइलेज कितना निकाल रही है? माइलेज मुझे हाईवे पर आराम से AC विदाउट AC 18 की देती है, लोकल बम्पर टू बम्पर या थोड़ा बहुत नॉर्मल ट्रैफिक में 11-12 की देती है AC साथ, विदाउट AC 14 की एवरेज देती है। और डिफरेंस कितना आता है MID और एक्चुअल माइलेज में? लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर वो आता ही आता है, मैंने टैंक टू टैंक भी चेक कर लिया। अच्छा जैसा आप बता रहे थे कि 40,000 किलोमीटर मैंने पहाड़ों में ही चलाई है, तो वहाँ पर कितना माइलेज आपको मिलता है इससे? पहाड़ों में मुझे आराम से 15 का एवरेज देती है गाड़ी बिना AC के, अगर AC लगा भी लूँ क्योंकि इतना फर्क नहीं, क्योंकि पहाड़ों में AC लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ 15 का एवरेज आराम से दे देती है, हंस के दे देती है। ज़्यादातर 2 बंदे बैठते हैं इस गाड़ी में, 4 बहुत कम बैठे हैं इस गाड़ी में, 2 बंदों के हिसाब से पहाड़ में आराम से 15 की एवरेज दे देती है। जब आप इतने इसमें पहाड़ी जगहों में गए हैं, पथरीली जगह में गए हैं, आपके सस्पेंशन में अभी तक कोई दिक्कत आई है? नहीं अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है वैसे, कोई मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई खड्डा वगैरह मुझे लग रहा है, जैसी गाड़ी ली थी वैसी ही है, कोई ऐसी दिक्कत लगी नहीं अभी तक, नहीं लगी, इन फ्यूचर हो मुझे नहीं पता, हाँ बट अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कंफर्ट वाइज ठीक है, बंदा थकता नहीं है गाड़ी चला के, अभी तक सारी चीजें अच्छी हैं। आपने बताई दिक्कत कहाँ आपको लगी गाड़ी में, मतलब कि नेगेटिव आपको क्या चीज लग रही गाड़ी में? सबसे पहले इसका स्टीयरिंग फीडबैक मुझे बिल्कुल बेकार लगा, स्टीयरिंग इस गाड़ी का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि किसके कंपैरिजन में? क्योंकि मैंने फोर्ड की गाड़ी चलाई है, फोर्ड की कोई भी, मैंने इको स्पोर्ट चलाई है, फ्री स्टाइल चलाई है, फिगो चलाई है, एस्पायर चलाई है, मक्खन की तरह चलती है गाड़ी, ऐसे घूमता है स्टीयरिंग उंगली से, ऐसे पूरा कंट्रोल रहता है गाड़ी के ऊपर, इसमें कंट्रोल रहता है, पर दिक्कत यह है कि स्टेयरिंग का पता नहीं चलता, कभी इधर टिल्ट होता है कभी उधर टिल्ट होता है, सर्विस सेंटर वालों के पूछो वो कहते हैं सर इसका तो थोड़ा सा रहेगा, इसका थोड़ा सा रहेगा। और ये बात बिल्कुल सच है, चाहे आप नेक्सोन ले लो, चाहे आप टियागो ले लो, चाहे टिगोर ले लो, कोई सी भी गाड़ी हो, कुछ टाइम के बाद जो स्टेयरिंग है वो लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाता है और वो एडजस्ट भी हो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल से कोई सर्विस सेंटर वाले उसे सही कर पाते हैं। अभी मुझे ठीक लग रहा है, मैं 100 में से 95% कह दूंगा कि ठीक है। अच्छा फुल 100% नहीं कहूँगा, 95% ठीक है, वो भी अपने आप ही हुआ है, मैंने बाहर से करवाया, अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग उनसे कभी भी कराई है, उन्होंने कभी ठीक नहीं करके दी। 1,000-1,200 रुपये उसका एक्स्ट्रा लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं मुझे नहीं लगता, बिकॉज उनको पता ही नहीं लगता, अगर मैं कहूँगा गाड़ी सीधी जा रही है वो कहेंगे नहीं नहीं सर लेफ्ट को जा रही है, अगर कहूँगा सर अब लेफ्ट जा रही है नहीं नहीं गाड़ी सीधी जा रही है सर, अगर कहूँगा राइट को जा रही है सर आप कैसी बातें कर
कर रहे हो, गाड़ी तो सीधी जा रही है। तो तीन तीन बंदे आपके ऊपर चढ़ जाएंगे और आपको गलत प्रूफ करेंगे। कोई बंदा है सर्विस सेंटर, उसके घर से 20 किलोमीटर दूर है, तो क्यों आएगा आपके पास? बिल्कुल सही। उसका 400 रुपया जो तेल का लगना, वो आप थोड़ा ना दोगे। बिल्कुल सही बात है। और इतने ट्रैफिक में धक्के खा के सारा दिन लग जाता है वहाँ पे। और चंडीगढ़ में आप रहते हैं और यहाँ पर आपने कितने सर्विस सेंटर ट्राई कर लिए और कितने में से कितने सही निकले, ये बताइए। मैंने चंडीगढ़ के रीजन में दो किए, दोनों ही मुझे अच्छे नहीं लगे। चंडीगढ़ में किया, मोहाली में किया, मुझे अच्छे नहीं लगे। इस बार जो सर्विस करवाई है मैंने रोपड़ से करवाई है, रूपनगर यहाँ से है 35 किलोमीटर। वहाँ थोड़ा ठीक लगा, वहाँ पे एक तो रश नहीं था, मेरी ही गाड़ी थी, एक दो गाड़ियाँ और थी, कुछ ज़्यादा रश नहीं था। वहाँ पे तो इतना रश होता पता नहीं चलता क्या हो रहा है, गाड़ी लगी रहती है लाइनों में, दो दो घंटे बंदे बैठे हैं, ठीक है सर बैठो, हो जाएगी, तीन घंटे में गाड़ी हो जाएगी, सारा सारा दिन लग जाता है, रात को 6-7 बजे गाड़ी मिलती है और गाड़ी में जो प्रॉब्लम लेके आए वो सोल्व नहीं होगी। ठीक है जी, हो गया जी, जाओ। ये वही बात आती है यार निकल के, जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है ना वहाँ पर आपकी सुनवाई कम होती है, सेटिस्फेक्शन जो लेवल है वो गिर जाता है वहाँ पर। मारुति में भी ऐसा ही है, हम लोग जो मिल रहे हैं आजकल लोगों के साथ, टाटा में भी ऐसा ही, अभी ये बता रहे हैं। एक दो जगह और भी बताया था, वो पहाड़ी एरिया के अंदर जब अपन गए थे तो वहाँ पर भी सर्विस को लेकर के टाटा के कोई बंदा खुश ज़्यादा नहीं था। इसमें टायर जो है मुझे चौड़े चौड़े से दिखाई दे रहे हैं, इसको आपने चेंज करवाए क्या? हाँ जी सर, ये जब स्टार्टिंग में गाड़ी तो 13 इंच के टायर आते थे इसमें, तो मुझे थोड़ा मज़ा नहीं आता था गाड़ी चला के ना, और एक दो बार लगी भी नीचे, तो मैंने कहीं से सुना था कि 14 इंच टायर डलवाओ, 5 mm बन जाएगी, बढ़ जाएगी ग्राउंड क्लियरेंस। तो मैं टायर डलवाने गया था तो ये योकोहामा के अर्थ में टायर डलवाए थे, 5 चेंज करवा दिए थे मैंने। तो कितना कितने का पड़ा? रिम समेत टोटल सारे टायर मिला के 7,000 के करीब खर्चा आया था। पुराने वाले वापस ले, पुराने 2,000 किलोमीटर में ही दे दिए थे मैंने। तो उसके बाद मजा आ रहा है चलाने में? आप ठीक है, गाड़ी में मजा तो पहले भी आता, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा भी, थोड़ा टेंशन कम होती है कि गाड़ी कम लगेगी नीचे। अच्छा। क्योंकि मैं पहाड़ों में ज्यादा जाता हूँ, कहीं भी कभी खड्डा खड्डा आ जाता है कुछ, तो दिक्कत होती थी उस चीज में। तो अभी गाड़ी इतनी चला दी है, अभी आपकी गाड़ी के अंदर कोई रैटलिंग साउंड, कोई आवाज़ प्लास्टिक के इधर उधर खिसकने की, चूचा जो आवाज़ आती है ना, वो आ रही है क्या? तो ऐसा है कि सर, गाड़ी में आवाज़ तो आती है, शुरू से ही आती है, ठीक है ना। इनके जो सर्विस सेंटर में वर्कर वगैरह होते हैं उनको पता ही नहीं चलता बेसिकली आवाज़ आ कहाँ से रही है। अच्छा। तो होता क्या, जैसे ये गाड़ी है तो इसमें पहले स्टार्टिंग में डैशबोर्ड में बड़ी आवाज़ आती होती थी, तो इन्होंने इसके डैशबोर्ड खोल के भरा, कहते 2 साल में अब जब मर्जी जितना मर्जी चेक कराओ इसमें आवाज़ नहीं आएगी, बट कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाती है, अगर थोड़े बहुत भी खड्डे क्रॉस करके गाड़ी, फिर धीरे 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 करके आवाज़ बढ़ जाती है। वो मुझे लगता है जब तक ये गाड़ी है कभी ठीक नहीं होगी वो चीज़। और दूसरी चीज़ ये है, जो डोर वगैरह इनमें थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की आवाज़ आती रहती है। अच्छा। तो वो इग्नोरेबल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक लग जाता है, म्यूज़िक लगता तो सुनती नहीं है, लेकिन जो डैशबोर्ड है उसमें तो दिक्कत। इनको पकड़ पकड़ के इधर लाना पड़ रहा है फ्रेम में। अच्छा ये बताइए कि आप जो है ब्रेक से रिलेटेड कोई इंसिडेंट बता रहे थे आप, जिसमें सर्विस सेंटर ने आपको बेवकूफ़ बनाने की सोची। ब्रेक ये था कि सर, ब्रेक में आवाज़ आने लग गई थी 28,000 की, काफ़ी आवाज़ सीटी जैसी आवाज़ आती थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कंप्लेंट की इस चीज़ की, मैंने बोला कि आवाज़ें बहुत आ रही हैं इसमें, तो कहते सर कोई बात नहीं, आपके ब्रेक पैड चेंज होने वाले हैं, करवा देंगे चेंज, गोल्ड AMC है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है करवा देना। तो 29,500 में मैंने जब सर्विस कराई तो उसको मैंने बोला कि ब्रेक वाला इशू रिजॉल्व, कहता हो गया सर, सबसे पहले आपका वो काम करवाया, मैंने ब्रेक पैड चेंज करवा दिए। अच्छा। तो मैं ट्रस्ट होता है कस्टमर का, ऊपर बैठा होता है शीशे के अंदर, उसको भी पता क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बोलने वैसे तो वो मना नहीं करते अगर आप इजाज़त ले लो, जाने देते हैं अंदर, बट फिर भी मतलब वो कस्टमर की सेफ्टी के लिए अंदर जाने नहीं देते, पर झूठ मत ना बोलो। तो 32,500 में गाड़ी मनाली गई थी, तो नीचे आ रहा तो फिर आवाज़ आने लग गई, तो मैंने वहाँ के चेक करवाया तो वो कहते जी आपके तो ब्रेक पैड चेंज नहीं है। पहले तो मेरे गेड़े मरवाए 10 बार, वो साफ़ करते थे, साफ़ करके दे देते थे, एक दिन आवाज़ नहीं आती थी, अगले दिन फिर आवाज़ आने लग जाती थी। तो हर रोज़ मैं 20 किलोमीटर जाता, मतलब हफ्ते में एक दो बार जब भी मुझे चक्कर लगता था मैं जाता था, और दिक्कत आती आती थी। तो एंड में वहीं पर एक बंदे ने बताया हिस्ट्री चेक करके कि सर आपके तो ब्रेक पैड चेंज ही नहीं हुए। अच्छा। तो फिर उन्होंने चेंज करके दिए, लेकिन आवाज़ फिर भी नहीं गई, क्योंकि एक्चुअल में दिक्कत ब्रेक शू में थी, वो उनको पता चला जब गाड़ी 36,000 किलोमीटर चल चुकी थी। अच्छा। तब तक मैं सिर्फ गेड़े मारता था हर 500,000 किलोमीटर बाद, और मैं सुबह गाड़ी लेकर जाता था 9-10 बजे, जितनी मर्जी फ़ोन करके जाता था, कंप्लेंट करके जाता था, और वो मुझे बोलते थे कि हमारी कंप्लेंट क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो हमारी कंप्लेंट, क्यों कर रहे हो हमारी कंप्लेंट, जब आपकी गाड़ी सर हमने पूरी तसल्ली से करके दी है। तसल्ली से करके क्या दी है, ठीक तो हो नहीं रही गाड़ी, क्या तसल्ली से, मेरा तो खर्चा हो रहा ना फालतू में, फ्री फंड का दिन भी खराब हो रहा है। तो वो कहते हैं सर हमें नेगेटिव वो मत दो, रेटिंग मत दो, रेटिंग हमें फुल दो, पहले ही जिस दिन सर्विस उस दिन कहेंगे ये सर 10-10 कर दो, आपको फ़ोन आएगा वहाँ से तो आप 10 रेटिंग कर देना उनको, क्यों कर दें भाई, जब सेटिस्फाई नहीं हो क्यों कैसे कर दूँ, मैं तो 0 ही दूंगा, एक वैसे एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन है नहीं मेरे। ये बहुत गलत बात है, सबसे पहली चीज़ है कस्टमर की आपने सुननी चाहिए, उसके बाद सबसे ज़्यादा बुरी बात ये है कि आप जबरदस्ती
जो है पॉजिटिव फीडबैक लेते हो अपने कस्टमर से। और सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइप का आपके पर दबाव बनाते हैं ना ये लोग, तो सीधे कस्टमर केयर में कॉल कीजिए, इनकी कंप्लेन कीजिए कि ये सर्विस वाले जो हैं, ये सर्विस सेंटर वाले हमसे ज़बरदस्ती दबाव बना के अच्छी रेटिंग लेना चाहते हैं। और बड़े तहजीब से बात करते हैं ये लोग, मतलब इतना मीठा बोलेंगे जैसे पता नहीं कौन हो आप इनके लिए, लेकिन जब गाड़ी की ठीक करवाने जाओ तो बस वही खड़ी है गाड़ी, सर हो जाएगी चिंता ना करो हम बैठे हैं, दो दो घंटे लाइन में खड़ी रहती है गाड़ी, कोई टेंशन नहीं, कोई आपके बाद में आएगा वो गाड़ी लगवा लेगा, कोई जो इनके पे प्रेशर डालता है उसकी गाड़ी लग जाती है, जो ऊपर बैठे शीशे में बस वो बैठे ही रहते हैं सारा सारा दिन, कोई टेंशन नहीं, क्या उसका लंच का टाइम है क्या कुछ नहीं, शाम तक गाड़ी सर क्या प्रॉब्लम आ रही थी गाड़ी में, दोबारा पूछते हैं सर क्या प्रॉब्लम आई थी गाड़ी में, भी जॉब कार्ड खुल गया तो देख क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्यों आए हम इसके लिए, दोबारा क्यों पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या प्रॉब्लम आ गई थी, और एक से एक मतलब हर कोई ऐसा लगता है जैसे आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं है, झूठ बोल दिया मेरे ब्रेक पैड चेंज हुए, चेंज नहीं हुए थे, बताओ क्या करें। आपकी कंप्लेंट्स के ऊपर कभी टाटा की तरफ से आपके पास कॉल आई, टाटा के कस्टमर केयर से, पेरेंट कंपनी की तरफ से? नहीं, उनकी तरफ से मुझे ऐसा कोई कॉल नहीं है, बस वो क्या करते थे उनको कंप्लेंट करता था, वो जो पर्टिकुलर सर्विस सेंटर था उनको कॉल करके डांटते होंगे कुछ करते होंगे, तो उनसे कॉल आ जाता था सर आपने हमारी कंप्लेंट कर दी, आपने हमारी कंप्लेंट क्यों कर दी, हमने तो गाड़ी आपके करके दी थी, अब बताओ क्या करें आपकी गाड़ी के लिए, अब बताओ हमें क्या, गाड़ी ठीक करो, करना क्या है गाड़ी में, क्या नहाना थोड़ा ना इस गाड़ी के साथ, गाड़ी ठीक करके दो ना, ना शादी करनी है गाड़ी के साथ गाड़ी का आपका काम क्या है, गाड़ी ठीक करने पैसे लेने, गाड़ी ठीक करके देनी, सर्विस क्यों करवाता बंदा स्ट्रेस फ्री होने के लिए, लेकिन ये गाड़ी ने स्ट्रेस दिया और कुछ नहीं, सर्विस के मुकाबले में अगर सर्विस के हिसाब, हाँ सर्विस के हिसाब से इस गाड़ी ने स्ट्रेस दिया मुझे बहुत ज्यादा। समझ रहे हैं ना कि अगर देखो इस चीज से भी आप गुजर सकते हैं अगर आप टाटा की गाड़ी लेते हो तो, सर्विस को लेकर के थोड़ा सा परेशान है, और ये तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इलाका भी काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर भी अगर ये दिक्कत है सर्विस को लेकर के, तो जो गांव वगैरह के इलाके हैं तो वहाँ पर तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि कभी आपकी किसी टाटा के दूसरे कस्टमर से ऐसी बातचीत हुई है कि वो भी परेशान हो, कभी मिलते हैं भूले भटके, जैसे आप शोरूम में बैठे हुए हैं सर्विस करवा रहे हैं तो कोई ऐसे दुखड़े गाते हुए मिलता है कोई? अगर पाँच बंदे बैठे तो चार तो होती हैं, उनके यही डिस्कशन चल रहा होता है कि पाँच में से चार वो, क्योंकि एक वो जो पांचवा जो बात नहीं कर रहा तो अकेला ही बैठा हो तो अपना मस्त होता है उसको पता नहीं होता, लेकिन जो डिस्कशन चल रही है चारों उनके यही चल रही होती है कहाँ से करवाएं सर्विस, कहाँ से करवाएं सर्विस, यार उसने ये कर दिया मेरी गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है, अभी मैंने 45 वाली सर्विस करवाई तो वहाँ पे एक बंदा मिला उसको भी अलाइनमेंट का इशू, कहता मेरी गाड़ी लेफ्ट को जा रही है, एक तो क्या करते हैं 20-20 किलोमीटर गाड़ी दौड़ाएंगे, 10-10, 20-20 चलाते रहेंगे जब तक कस्टमर ना मान जाए कि हाँ कि गाड़ी ठीक है तब तक गाड़ी चलती रहेगी, उसको पता कि तेल फूकता रहे या प्रेशर पड़ता रहे। और यार ये कौन सा इलाज है कि आप जो है कस्टमर को बोल देते हो कि सर ये तो सभी गाड़ियों के अंदर है हमारा, तो उनका इलाज करो ना, अगर सब गाड़ियों के अंदर है तो गाड़ी तो सीधी चलनी चाहिए यार, तो ये थोड़ा सा गलत है रवैया। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखते थे सर्विस से परेशान है, प्रोडक्ट से कोई दिक्कत नहीं है? प्रोडक्ट से बहुत बढ़िया, इस रेंज में मुझे नहीं लगता कि और गाड़ी आती है जो, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी है, एवरेज ठीक लगी मुझे बाकी गाड़ियों के मुकाबले। और आप रफ एंड टफ यूज करते हो इसका? हाँ मतलब मैं जो क्या रैश ड्राइव नहीं करता, पूरा गियर टाइम से डालता हूँ कुछ मतलब, पर ऐसे है कि मैंने बड़े बड़े खतरनाक रास्ते देख रखे हैं इस पे, ओली गई थी ये गाड़ी, पहलगाम गई थी तो बड़ी हाइट पे है ना, तो थोड़ी जगह स्नो पे भी चली है गाड़ी ये, तो मतलब डरा नहीं मैं इसको लेके जाके कि हाँ अभी चली भी जाएगी गाड़ी ये, कुछ कहीं हो तो नहीं जाएगा, बस तभी डरा था एक बार फ्यूल पंप खराब हो गया था गाड़ी का। अच्छा, तो कस्टमर उन्होंने सर्विस सेंटर वालों ने मेरी गाड़ी खड़ी देहरादून, उत्तरकाशी से देहरादून जा रहा था, गाड़ी चलती चलती पहाड़ पे बंद होगी, मैंने फ़ोन किया तो पहले तो मिला ही नहीं कस्टमर केयर का नंबर, जब मिला उन्होंने मेरा करवाया किसी से फ़ोन जो टो करके ले गए देहरादून वालों से कॉल करवाया, तो उनसे बात हुई सर आपने पेट्रोल गलत डलवा लिया होगा, ये प्रॉब्लम है इसलिए गाड़ी बंद होगी, सर आपकी बैटरी खराब होगी होगी तो गाड़ी बंद होगी, हर कोई बता रहा था, और उसी टाइम मैं हम जो मेरे साथ है उसके डिस्कशन कर रहा था, वो कह रहा था कि ये गाड़ी से सेटिस्फाई है तू, अभी गाड़ी बंद नहीं हुई थी, मैं कहा हाँ हाँ बहुत बढ़िया गाड़ी है बहुत अच्छी गाड़ी है, उसी टाइम गाड़ी बंद हो गई वो फर्स्ट टाइम मैंने कसम खाई कि ये कभी तारीफ नहीं करनी चाहिए किसी की उस बंदे को दोबारा नहीं बैठा उसने बोला कि गाड़ी सही है इसके बाद कौन सी गाड़ी लेगा, तो मैंने एक्चुअली 1.5 डीजल चला रखी फ्री स्टाइल, मैंने बोला मैं वो लूंगा गाड़ी, उसकी ग्राउंड क्लीयरेंस अच्छी है, चलाने में बड़ा मजा आता है उसमें, तो मैंने वो सोचा था कि वो गाड़ी ले लूंगा या ब्रीजा वगैरह, वो भी चलाने मुझे अच्छी लगी गाड़ी, तो वो सोचा उसकी बात डिस्कशन नहीं उठती, गाड़ी बंद हो गई जी, दो घंटे जी वहां पे खड़ा रहा मैं, दो घंटे में मुझे फ़ोन आता है कि सर हम गाड़ी टो करने के लिए गए हैं, कि 8 घंटे लगेंगे, तो मैं रात को 2 बजे तक वहीं बैठा रहूँ, 8 कहीं से कोई पहाड़ों में क्या होता है कुछ भी नहीं होता है, तो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद गाड़ी मैंने ऑन की, स्टार्ट होगी, आधा घंटा ऑन रखी, जैसे पुराने स्टाइल में होता ना कि गाड़ी ऑन रखो थोड़ी देर, अपना ही दिमाग लगाया, फिर आगे मैकेनिक को चेक कराया, कहते गाड़ी तो ठीक है सर आपकी,
लेकिन फिर थोड़ी देर बाद गई 10 फिर बंद गाड़ी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में फ्यूल पंप की प्रॉब्लम है इसमें। तो गाड़ी कैसे कैसे करके चंडीगढ़ पहुँच गई, तो वहाँ के चेक कराई, सारा दिन गाड़ी खड़ी, हाँ जी सर आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, जाओ अब नहीं आएगी प्रॉब्लम। 2 हफ्ते बाद सोलन गया मैं, गाड़ी फिर बंद होगी। उस टाइम फैमिली भी थी मेरे साथ, उन्होंने बोला कि गड्डी तो ठीक ढंग ने ले लंदा कि जी गड्डी ले ली। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि मैं कितना दिमाग लगा के गाड़ी ली और मुझे ये सुनने को मिला घर वाले। मुझे था कि पेट्रोल गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती कभी, लेकिन वो 2 साल में ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही थी। फिर गया सर्विस सेंटर वालों के पास, फिर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ सर आपकी गाड़ी सारा दिन खड़ी रही, गाड़ी मुझे नहीं पता क्या करते हैं, दिखता भी नहीं कुछ करते, गाड़ी खड़ी रहती है, सर आपकी गाड़ी कर दी ठीक है। हाँ एक गाड़ी बड़ी अच्छी धोते हैं ये, पूरी तसल्ली करा देते हैं, मतलब बंदा देख के होता है हाँ अभी मेरी गाड़ी सर्विस होगी, ये नहीं पता पार्ट चेंज हुए नहीं, पर धोके जरूर देते हैं बड़े अच्छे से, उसमें फुल मार्क्स दूंगा इनको मैं। तो उसके बाद भी इन्होंने मुझे यही नहीं बताया, कहते कि सर ठीक है गाड़ी। तो जब तीसरी बार बंद हुई ना, फिर मैंने इनकी कंप्लेंट की जबरदस्त वाली, तब भी मेरे गाड़ी के 2 साल हो चुके थे। तो जो फ्यूल पंप था उसमें उन्होंने बोला कि दिक्कत है सर, फ्यूल पंप चेंज कराना पड़ेगा, तो इतना खर्चा आ जाएगा कुछ 10-11-12, मुझे आइडिया नहीं है, इतना 1000 का बोलेगी, इतना खर्चा आ जाएगा। मैं क्या एक्सटेंडेड वारंटी में गाड़ी मेरी, चलाक मत बनो तुम लोग। उसमें भी फिर उन्होंने 4 घंटे वेट कराए मेरी, भी जब बंदा पहले से ही आ रहा 2 साल पहले से, तो आप प्रायोरिटी बेस पर करके दो ना मेरी गाड़ी, मेल भेजी या करा के गाड़ी दे दी उन्होंने फिर मेरी। ऐसा है कि मशीन है, मशीन ख़राब तो ज़रूर होती है, ऐसा कोई सीन नहीं है। किसी किसी यूनिट के अंदर जैसे कि इनके साथ जो हुआ, इनमें इसमें थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा आ गई। ऐसा हम लोग नहीं कहेंगे कि हर टियागो के अंदर ये परेशानी है, बहुत लोग बहुत सेटिस्फाई भी है। ये ज़्यादा नाखुश हैं सर्विस को लेकर के, सर्विस सेंटर को लेकर के, वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो सारी निकल रही है यहाँ पे। जहाँ तक मेरे कज़न के पास भी गाड़ी उन्होंने 1 साल पहले ली थी, उनको आज तक गाड़ी में दिक्कत, लेकिन वो भी सर्विस से परेशान है, क्योंकि उनकी भी सर्विस जब भी वो कराना चाहते कुछ जो भी प्रॉब्लम होती है सॉल्व ही नहीं हो पाती। वो जलंधर में रहते हैं, उनके साथ ऐसे ही होता है। ऐसा बहुत कम बार मेरे साथ भी हुआ है, 1-2 सर्विस में तो ऐसा बुरा हाल हुआ था, मतलब 3 बार मेरे को जाना पड़ा था। जो कस्टमर केयर से फीडबैक ले बोलते हैं ना, तो 5 के आसपास मेरे नंबर रहते हैं इनके। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किसी को रिकमेंड करोगे ये गाड़ी आप? सर्विस को लेके कहूँ तो मत लो गाड़ी, मैं ये कहूँगा अगर किसी ने इस रेंज में गाड़ी लेनी है, पहले ये देखो कि आपने आसपास सर्विस सेंटर किस कंपनी का अच्छा है, विदिन 5 किलोमीटर में देखो, क्योंकि गाड़ी में कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए सबसे पहले ये देखो कि विदिन 5 किलोमीटर कौन सा सर्विस कंपनी का अच्छा है, तो उसमें से गाड़ी देखो कि वो आपकी रेंज में कोई गाड़ी आ रही है, तो पहले तो उसको प्रेफर करो। वो मत लो गाड़ी कि हाँ कि सर्विस सेंटर दूर है, 20 किलोमीटर आप जा रहे हो पागलों की तरह, और रिजॉल्व होना नहीं है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। सो अगर तो सर्विस सेंटर नज़दीक है तो आई थिंक इस रेंज में बहुत अच्छी कार है, क्योंकि कार वाइज कोई कंप्लेंट नहीं है आज तक इसमें। बट हाँ सर्विस को लेकर थोड़ा है, पहली सर्विस सेंटर वालों से ना स्पेशली जो मैनेजर उनसे बात करो कि सर ये दिक्कत है, क्या आप सॉल्व कर पाएंगे या मुझे वेट करना पड़ेगा, या आप मतलब कि उनसे बोलो कि 3 घंटे बोलो तो 3 घंटे में 2 गाड़ी, सारा दिन मत बैठा के रखो, और कोशिश करो वहाँ लेके जाओ गाड़ी जहाँ पे कम गाड़ियाँ जा रही हैं। खैर दोस्तों ये था एक, इन्होंने जो अपनी परेशानियाँ रखी, अच्छाइयाँ भी बताई, आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको इस गाड़ी के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, खास करके इस रीज़न में। अगर मैं मेरा ओपिनियन बताता हूँ तो अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग गाड़ी चाहिए, ठीक है, इंजन ओके हो, तो इस गाड़ी के ऊपर चले जाइए, 4.5-5 लाख के आसपास आपको पड़ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको इंजन स्ट्रॉन्ग चाहिए, बॉडी ठीक ठाक हो, तो इसके कंपटीशन के अंदर भी बहुत सारी गाड़ियां हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन इसी मैसेज के साथ कि 4-व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जो है वो जरूर डालिएगा, 2-व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जो है वो जरूर डालिएगा। एंड थैंक यू सो मच विक्रम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सो भारत माता की जय।